एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, वो देखो ऊपर जूम इन कीजिए उस, कितनी खूबसूरत वो मूर्ति है, देखिए कितनी हाइट पे इन्होंने बना रखी है। बहुत ही इसका डिजाइन आप, मैं आपको बताऊं तो सर इसको क्या बोलते हैं आप? विशिष्ट कल्चर और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारे कपड़े, ये हमारे जो भी है, ये हमारा एक खूबसूरती है। स्वागत है स्पीति की हसीन वैली में आपका, और हमें इस वक्त काजा में, और काजा में हर साल होता है एक फेस्टिवल जिसका नाम है लाद दारचा फेस्टिवल। इस बार हमें उसे, उसकी एक्सटेंसिव कवरेज के लिए हमारी टीम पहुंची है काजा में। और आपको मैं बता दूं, आज शोभा यात्रा, आज क्योंकि जैसे कि हमारे मंडी शिवरात्रि में कहें तो जलेब होती है, कुल्लू के दशहरे में जैसे को पता ही कि देवी देवता चलते हैं, प्रोसेशन होता है पूरा का पूरा, वैसे यहाँ पर ये इस प्रकार का प्रोसेशन होता है। आगे आप देख सकते हैं एनसीसी के बच्चे खड़े हैं, उसके पीछे भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, और उसके पीछे आप देख सकते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट माइथोलॉजीज और बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज के जानने वाले लोग इस पूरे इलाके में बहुतायत में हैं, इसलिए इसी धर्म का आपको यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो ला दारचा जो फेस्टिवल है वो भी इसी धर्म से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इनके 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 बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा आपको पूरा प्रोसेशन भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी, जैसे हमारे वहाँ पे देवी देवताओं के वाद्य यंत्र होते हैं, उसी प्रकार इनके भी एक अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे इन, बहुत ही इसका डिज़ाइन आप, मैं आपको बताऊँ तो सर इसको क्या बोलते हैं आप, जो आप किलिंग, ये पूरा किलिंग बोलते हैं ना इसको भी, ये इसको भी तुंग बोलते, तुंगचिन, ये तुंगचिन है। देखिए ये बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे, बाजा सा है, और ये पूजा पद्धति में ही यूज़ होता है। और डिज़ाइन डिटेल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको किया गया है, और इनके कल्चर जो है तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर जो है, जो हमारे स्पीति का कल्चर है, उसको यहाँ पे एक तरीके से शो किया गया है। तो यहाँ अभी देख सकते हैं जैसे अगरबत्ती टाइप की जलाई गई है, और ये भी यहाँ पे पुजारी लगते हैं। नमस्कार जी, ये किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का, लकड़ी का। और ये इसके बाहर का ही पार्ट, बाहर के धूप का, धूप का चंदन, मेरे को सैंडलवुड लग रहा है चंदन। तो ये देखिए इस तरीके से चलेंगे ये, और ये क्योंकि प्रोसेशन का मेन पार्ट आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट, आप ये आइडल देख सकते हैं ऊपर, मूर्ति आप देख सकते हैं, और इसके पीछे जो गाड़ी में मंक्स यहाँ पे बैठे होंगे, और हमारे भारत का झंडा भी आपको यहाँ दिखेगा। और ये मॉनेस्ट्री, मैं आपको बता दूँ ये काजा मॉनेस्ट्री है, बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, और इस प्रकार पहाड़ों के बीच में ये इस वक्त स्थित है। तो चलिए आपको बताएंगे पूरा ये प्रोसेशन दिखाएंगे आपको, और इसके पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद कर दें। हमारे प्राइम स्पॉन्सर हैं हरिहर अस्पताल कुल्लू, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक जो मेडिकल प्रोफेशनिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे MRI हो गया, डिजिटल एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तमाम जो सुविधाएं जो चाहिए होती है एक अस्पताल में, वो सभी आपको हरिहर अस्पताल कुल्लू में आपको मिलेंगी। दूसरे हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं रतन ज्वेलर्स, मोती बाज़ार मंडी 1928 से आपकी सेवा में। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की आधुनिक ज्वेलरी चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल ज्वेलरी चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, या जो भी आजकल नए डिज़ाइन चाहिए उस प्रकार के चाहिए, तो आप वहाँ जाके खुद बनवा भी सकते हैं। आप उनको डिज़ाइन दिखा के वो उस तरीके के भी बना सकते हैं, या जो उनके पास डिज़ाइन मौजूद हैं वो भी आप घर ले जा सकते हैं। तो दोनों हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया उनके, देखिए बिना स्पॉन्सर्स के इस प्रकार के कार्यक्रम बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूर जाना और इतना सारा कवरेज करना, इतने खर्चे निकालना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोनों स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको चलिए अब पूरा प्रोसेशन दिखाएंगे, यहाँ पर क्या क्या हलचल हो रही है वो सारा कुछ आपको बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम इस फंक्शन से जुड़े हुए, और इस जगह की स्पीति घाटी की, लाहौल घाटी की जो कल्चर है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आएंगे आपको इन 3-4-5 दिनों में। फंक्शन तो मैं आपको बताऊं 3 दिनों का ही है, परंतु हम जैसे कि आपको पता है रिपोर्ट्स बना के रखते हैं, धीरे धीरे उसको एडिट करके डालते रहते हैं। तो अगले आने वाले एक हफ्ते आपको, एक डेढ़ हफ्ते आपको बहुत खूबसूरत, हमारे हिमाचल का ये भी एक पार्ट है, यहाँ की भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने जो आज दिन तक आपने कभी जानी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी उस स्केल के ऊपर। तो बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वेलकम टू लाल दरचा फेस्टिवल। मॉडल सीनियर चेंजिस्ट टू काजा NS विद बैंड, और उसके पश्चात महिला मंडल लारा। एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, वो देखो ऊपर जूम इन कीजिए उस पर,
कितनी खूबसूरत वो मूर्ति देखिए, कितनी हाइट पे इन्होंने बना रखी है गौतम बुद्ध की। और हम ना एक रिपोर्ट और निकालेंगे और वहाँ से आपको पूरी काजा घाटी, स्पीति घाटी का जो व्यू है वो बताएंगे, और उस मूर्ति के ऊपर भी एक रिपोर्ट हम ज़रूर बताएंगे इस पूरी सीरीज़ में, दाल आर्चा फेस्टिवल सीरीज़ में। आप थोड़ा नीचे कर दीजिए, मेरे को दिखाइए। तो शुरू होने वाला जी शोभा यात्रा थोड़ी देर में। तो काजा मोनेस्ट्री से दाल आर्चा, तो काजा मोनेस्ट्री से ला आर्चा फेस्टिवल की जो ये शोभा यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे आगे आप देख सकते हैं एनसीसी के बच्चे इस वक्त कदम ताल कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेशन ये आपको दिखेगा चलता हुआ। तो कुछ खूबसूरत विजुअल्स के साथ आपको अब छोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं एमएलए लॉरेंस स्पीति अनुराधा मैम हैं, और ये आज चीफ गेस्ट हैं इस शोभा यात्रा में। मैम क्या कहना चाहेंगी, इतना खूबसूरत आपका ये कल्चर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और ये जो इतना खूबसूरती के साथ ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है इस पर? जी हाँ बिल्कुल, हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारा ला आर्चा फेयर फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है यहाँ पे स्पीति के काजा में। और हमारे साथ राय साहब है जो पूर्व मंत्री हमारे रह चुके हैं, और इसके अलावा हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी और पूरी आम जनता, पूरा प्रशासन का तंत्र यहाँ पे है, और सभी लामागण जो हमारे पूजनीय जो इसको आगे से लीड कर रहे हैं। तो सभी, ये हमारी खूबसूरती है, हम ट्राइबल जो जाने जाते हैं अपने विशिष्ट कल्चर और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारे कपड़े, ये हमारे जो भी है, ये हमारा एक खूबसूरती है। तो इसी को बनाए रखने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक्चुअल में ये एक तरह का ट्रेड फेयर है, जो पुराने समय में जो लद्दाख, जांस्कर या बाहर अन्य देशों के साथ जो ट्रेड फेयर किया जाता था, उसको पहले ही ला आर्चा मैदान जहाँ जाना जाता वहाँ बनाया जाता था, और काफ़ी वर्षों से ये काजा में मनाया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं बस ये संस्कृति हमारी बनी रहे, और इसको बढ़ावा देने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया है, तो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर अपनी संस्कृति, अपने रूट से जुड़े रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक फेस्टिवल, एक कल्चर, ये जो फेयर होता है ये लोगों को आपस में जोड़ता है, जो कला होती है वो आपस में लोगों को जोड़ती है। आज हमारे पूरे स्पीति के लोग यहाँ पे और जितने भी टूरिस्ट वो भी इसे देख रहे हैं, तो कला एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का। बस हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इसको हम और बेहतर बनाएंगे, और अपनी संस्कृति को अपने रूट से हमेशा जुड़ के रहेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी इसको आगे बढ़ा सके। आपको बताऊँ, हाल ही में मैडम इलेक्शन जीती हैं, और बड़ी तगड़ी फाइट थी यहाँ पे, और उसमें और हमारी भी उस नज़र बनी होती थी उस इलेक्शन पर। हाँ सर, आपसे हम पूछेंगे, आपने तो पुराना रूप भी देखा होगा इस फेस्टिवल का, नया रूप भी देख रहे हैं, कितना चेंज कितना है? चेंज
चेंज एक्चुअली ये ट्रेडिशनली ये व्यापारिक मेला है। हाँ। ये लाल दरजा मैदान अभी वहाँ चीजम के पास है, वहाँ पर तिब्बत से लोग आते थे, यहाँ मनाली रामपुर से भी हमारे लड़ाई लोग आते थे, ये लोकल लोग भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे, कैशलेस बिजनेस समझ लो, तो उस तरह से यहाँ पर ट्रेड होती थी। वहाँ से ऊन वगैरह मक्खन वगैरह भेड़े याक ये लाते थे, यहाँ से हमारे चाय चीनी चावल सूती कपड़े ऐसे बार्टर सिस्टम होता था, वो कुछ सामान देते थे वो उसके बदले सामान ले, तो वो लोग क्या करते थे दोनों तरफ के लोग लातर से मैदान में टेंट लगा के कैंपिंग करते थे 15-15 तीन तीन हफ्ता चार चार हफ्ता, दैट वाज वेरी प्लीजिंग। उसके बाद फिर वहाँ क्योंकि सारा बंदोबस्त मुश्किल है, आप यहाँ से नीचे के लोग भी आते हैं, तो इसलिए ये हेडक्वार्टर है, उनको रहने सहने के लिए स्टॉल्स लगाने के लिए थोड़ा आसानी है, इसलिए उसके नाम से यहीं पर मनाते हैं। तो जहाँ तक कल्चर का सवाल है वो तो अभी कंटिन्यू कर रहा है, जितना कल्चर हमारे पहले अच्छा था, डांस है, पुराने गाने हैं, पुराने गीत हैं, संगीत हैं, और यहाँ के जो देवी देवताओं के पूजन के फेस्टिवल्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। बहुत खूबसूरत है सर आपकी संस्कृति, मतलब हमारे हिमाचल जिसका कहते हैं हिमाचल का पूरा भारत जो है विविध संस्कृति से भरा हुआ हमारा देश है, प्रदेश है, और इस फंक्शन के लिए सर आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये देखिए हम एमएलए मैम थे और बता रहे थे कुछ और इनसाइट दिया इन्होंने इस फेस्ट के बारे में, तो चलो थोड़ी और आपको झलकियाँ दिखाते हैं इस फेस्टिवल की। देखा आपने किस प्रकार खूबसूरत शोभा यात्रा काजा मॉनेस्ट्री से ये इस ग्राउंड पे जो कि मेला ग्राउंड है यहाँ पर आकर वो संपन्न हुई, और उसके बाद जो ये मेला है तीन दिन का 21-22-23 से विधिवत रूप से ये चलता रहेगा, और इस वक्त मैं आपको बताऊँ जहाँ पर हम खड़े हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वो डोम है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज है, तो एक से बढ़कर एक ला दारचा फेस्टिवल की रिपोर्ट हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे। पहली बार इतनी एक्सटेंसिव कवरेज होगी इस फेस्टिवल की, और हमारी स्पीति घाटी से जुड़ा हुआ ये एक कल्चरल फेस्ट है जो कि पहले एक ट्रेड फेयर हुआ करता था, ट्रेड फेयर आज भी है परंतु स्वरूप चेंज हो जाता है समय के साथ साथ, तो अब ये कल्चर को भी समेटे हुए अपने अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो या लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।